तो वी एस लोकसन टेक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा जेब्रोनिक, जेब सनशाइन और फिलिप्स होम थिएटर के बारे में। इन दोनों में से आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए, और इनके पहले प्राइस बता दूं आपको कि ये जो आता है जेब्रोनिक, जेब सनशाइन, ये आता है 2100 रुपये का फ्लिपकार्ट पे, और जो ये वाला आता है 3000 के आसपास आता है। इसका मैं आपको मॉडल नंबर बताऊँ तो फिलिप्स MMS 2625B, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 3000 रुपये का, और ये 2100 रुपये का। बाकी इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ। जो ये आता है 4.1 चैनल के साथ आता है। एक जो है इसका ये स्पीकर मेरा गुम हो गया है, तो ये चार देखने को मिलते हैं इसमें 2100 रुपये में। जैसे अभी ये तीन है, एक और होता वो गुम हो गया मेरा। अब इसके बारे में बात करूँ तो इसमें हमें 2.1 चैनल के साथ देखने को मिलते हैं, और ये 30 वोट के आते हैं, और ये हमारे 60 वोट के आते हैं। इसमें जो है हमें ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होता है ब्लूटूथ का। इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2 देखने को मिलता है, काफ़ी पुराना वर्जन है। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आपको पहले ही बता दूं कि इसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे आज तक, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया मुझे यूज़ करते हुए। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें हमें पेन ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और FM भी इसमें दिया गया है। बात करूँ इसकी तो इसमें हमें एक पेन ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ऑक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है पीछे से, और इसमें हमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलता। बाकी इसमें मेमोरी कार्ड का नहीं दिया जाता, इसमें मेमोरी कार्ड का दिया जाता है। दोनों में LED डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे, और ये जो क्वालिटी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बेस का बटन दे रखा है कंट्रोल करने का, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेस का कंट्रोल करने का बटन है, और ये वॉल्यूम का बटन दे रखा है। और यहाँ पे हमें बेस का बटन नहीं दिया जाता कंट्रोल करने का, यहाँ पे हमें बस क्लिक क्लिक करने वाले बटन दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलिप्स वाले में। बाकी इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया आराम से, कोई इशू नहीं आ रहा आज तक, और हर चीज़ में मतलब सही चल रहा है। कनेक्टिविटी वगैरह के मामले में और साउंड क्वालिटी के मामले में बात करूँ तो अब तक कोई इशूज़ नहीं आ रहे। बेस वगैरह मतलब एवरेज है, 2000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी बात करूँ तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है, और कनेक्टिविटी वगैरह के कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। तो इसका प्राइस 3000 रुपये है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो फिलिप्स ब्रांड है अपना, एक नाम है उसका, इसलिए भी वो महंगा है। और क्वालिटी वगैरह में जेब्रोनिक से थोड़ा सा आगे है वो, जो इसकी वायर की क्वालिटी हो गई, जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, जैसे वायर की ये कितनी पतली दे रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब पतली है ये। और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊँ तो वाकई में इसकी जो वायर की क्वालिटी आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखना तो ये काफ़ी मोटी दी गई है, और प्लग के जैसे वायर हो गई प्लग की, तो ये भी काफ़ी मोटी दी गई है। और इसकी वायर आप देख सकते हैं कितनी पतली है, कंपैरिजन कर सकता हूँ आपको दिखाऊँ मैं आपको, तो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी पतली है और ये मोटी है, तो इसलिए भी प्राइस डिफरेंस है। लेकिन इसमें हमें ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं जेब्रोनिक्स वाले में। इसमें हमें एक तो मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया जाता है, और चार हमें ये साथ में ये स्पीकर दिए जाते हैं। और बाकी यही था इस वीडियो में, मैं आपसे यही शेयर करना चाह रहा था कि इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस है, और कौन सा, मैं आपको सच बताऊं तो कौन सा परचेज़ करना चाहिए, तो आपको जेब्रोनिक्स वाला परचेज़ करना चाहिए अगर आपको बेस लवर नहीं है तो। और साउंड क्वालिटी में सच बताऊँ तो इसकी काफ़ी मतलब सही है, बेस इसका एवरेज है, ज़्यादा नहीं है। उसका बेस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि प्राइस डिफरेंस है ज़्यादा, 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो बेस उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही। साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ, ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। सुनाई थी आवाज, अब मैं जेब्रोनिक्स की सुनाऊंगा, इसकी कनेक्टिविटी देखना कितनी फास्ट है। ये कनेक्ट हो गया है, इससे पहले उसका भी फिलिप्स की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी इन दोनों में से परचेज़ कर लें, जिस तरीका का आपका बजट है उस हिसाब से परचेज़ करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों में।
और ये तो मेरे को वैसे भी 1 साल से ऊपर हो गए यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं दोनों का लिंक जो है परचेज़ का फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।